सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है तीज, मतलब तीज के एक दिन पहले का दिन है, 29 है आज। एंड आज है नहाय खाय जिसको कहते हैं। तो आज हम अभी लोग जाएंगे, नदी जाएंगे, तो वहाँ पे जो रसम होगा पता नहीं क्या क्या होगा, वहाँ को दिखाएंगे। अभी हमें बहुत काम है, हम यहाँ से रेडी होंगे अच्छे से, फिर जाएंगे गंगा जी बिना नहाए, फिर वहाँ जा के नहाएंगे। और अभी यहाँ पे बाजा वाला भी आ चुका है, आपको दिखा सकती हूँ। Oh,
अभी हम लोग आधा रास्ता क्रॉस कर गए हैं और थोड़ा दूर और बाकी है, थोड़ा दूर अभी और बाकी है पहुँचने में, और मेरी भाभी मेरे साथ है, और ये है मेरी भाभी और ये मेरी मोटी दीदी और वो जो और पीछे दिया कैमरा मैन, चलो हम लोग वीडियो पकड़ सकते हैं कंचन बिच्छा फंस गए। यहाँ भी सबसे आगे दौड़ रहे हैं इसे घूमने वक्त। हेलो सो गाइज, अभी हम नदी पहुंच गए हैं एंड हम लोग यहां पे नहा धो के एंड ये जो आप देख रहे हो पीढ़ा पे एक राउंड सा रखा है ऊँट का, तो इसमें भाई लोग जो होते हैं ना वो जब नहाने वक्त वो मिट्टी भरते हैं, मतलब नदी के नीचे जो मिट्टी रहता है उसको इसमें भरते हैं एंड यहां पे थोड़ा बहुत इसका पूजा वूजा होता है, मतलब चंदन टिका इसमें लगाते हैं और मतलब हम लोग फिर नदी जो गंगा जी होते हैं उनका पूजा करके और फिर मतलब जो वो चीज़ें हैं ऊँट की चीज़ें हैं आप देख सकते हो सारे लोग हैं जो ये चीज़ें हैं ऊँट की, फिर इसको भाई अपने सर पे रख के जाता है। तो आए तो हम लोग पैदल थे लेकिन जब जाएंगे तो जाएंगे हम लोग कारवर से। एंड गाइस यहाँ पे राज को पकड़ना पड़ा इसलिए ये बहुत नखरे कर रहा था, फिर यहाँ का जो रस्म वगैरह तो वो करके हम घर जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग तीज करके जा रहे हैं एंड हम आए थे पैदल बट जा रहे हैं कार से और फिर हम थोड़े 10-15 मिनट के बाद हम घर पहुंच जाएंगे। तो इस कार में इतने लोग थे, एक और लड़की थी उसको भी हमने ले लिया घर के बगल की है एंड फिर हम घर पहुंच गए। एंड गाइस अब हम घर पहुंच गए थे एंड घर पे आके थोड़ा बहुत डांस वांस हुआ एंड ये बहुत कुछ यहाँ पे मैसेज आपको देखेगा क्योंकि ये मेरा गांव का घर है। एंड यहाँ पे हम सब लोग अपनी भाभी को फोर्स कर रहे थे डांस करने को और इनको बहुत ही शर्म आई थी क्योंकि मतलब सब लोग रहते ना भैया लोग और पापा लोग, बट फिर भी मेरी भाभी ने डांस तो बहुत किया। अब देख सकते हो कितने नखरे उठा रही है मेरी सबसे छोटी भाभी है। एंड गाइस ये मेरी सबसे अच्छी भाभी है, मतलब ना मेरी फेवरेट भाभी है। एंड गाइस यहाँ पे सब लोग अमीज को भी खींच लिए डांस करने को बट ये बहुत ही शर्मा रहे थे, बट फिर भी इन्होंने थोड़ा बहुत डांस किया। एंड गाइस ये रही हमारे घर की मेड, एकदम डांस कर रही है, एकदम मस्त ठुमके लगा लगा के देख सकते हो आप गजब। तो यही सब था आज का फंक्शन, भाई बस इनको देख लो। अब पीछे देखो ये ना होते ना गांव के आ जाते लोग देखने के लिए पीछे पीछे आगे बगल अगल बगल के घर के लोग, वही सब लोग आ गए थे देखने के लिए और सब यहाँ मुझे फोर्स कर रहे थे कि तुम मम्मी इसके साथ डांस करो। तो मैं डांस क्या करती, यही लोग इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे कि मैं सोचे भाई करने दो इन लोग को डांस ही, मैं तो वैसे ही कर लेती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसको बिना मन के डांस कर रहे हैं और ये रही ज्योति जो हम इसको ऐसे देखो आप भाई कर ही नहीं रहे डांस, कितनी शर्म आ रही है। ज्योति बेचारी खींच खींच किसी डांस करवा रही है और इतने सारे लोग हैं तो अब तो ये इतना क्या ही बताए, ये इतना शर्मा होंगे ना बस यही जानते होंगे। एंड यहाँ पे भोलेनाथ और पार्वती जी का जो मूर्ति बनता मिट्टी से वो बना। सो गाइस अभी मैं बैठी हूँ भूख ही प्यास से और अभी वहाँ पे कुछ कुछ बन रहा है। एंड ये जो है इसी का पूजा होता है, इसको चौरा कहते हैं हमारे इधर, इस चौरा को इस पीढ़ा पे रखा जाता है एंड जो भी रस्म वगैरह होता है पूजा वगैरह वो होता है।
तो मैं यहाँ पे सारा पूजा वगैरह कर रही थी, सब लोग मुझे बता रहे थे ऐसे करो वैसे करो जो भी था। फिर हमने इस पूरे शंकर जी और गौरी जी का जो वो मिट्टी का मूर्ति था, मैंने उस पर पूजा वूजा किया। लगे छे जे मांगे वाला ने लेकिन यो गणेश जी के फूल लाल होते हे गुलाब गुलाब। सो ये जो चौरा था हमने इसको इस पीढ़े पे फिक्स कर दिया। बाद को बाद हो जाए छे बाद आई खा सके छे ता रुखी पे पुआ पुआ कपड़ा बदल ले कपड़ा बदल बदल ले दोनों पुआ ये एक पर छे ए सब ले कर देख लिया आजकल की मिल जाती पैसा लेके ले 500 दही हमने अपने भाई के साथ ये दूध और पुआ खाया। बस आज का फंक्शन यहीं तक था। अब नेक्स्ट दिन फिर जो है वो तीज का रहता है, आप उसका व्लॉग वेट करना आ जाएगा।